हेलो दोस्तों, धनेश्वरी एकेडमी से मैं निमिष सर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे चल रही है? सो गाइस, अभी आईपीओ की धूम मची है, काफी आईपीओ आ रहे हैं नए नए, और बहुत लोग अभी सवाल पूछते हैं कि सर ये आईपीओ में अप्लाई करे या अवॉइड करे, क्या करे हो? तो उसी के लिए मैं एक नया जो आईपीओ भी आ रहा है, नोवोको विस्तास कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो आईपीओ का आज मैं रिव्यू आपको बताने जा रहा हूँ। सो आईपीओ भी बहुत आ रहे हैं और अच्छे खासा लिस्टिंग गेन भी दे रहे हैं। सो बहुत लोगों के सवाल रहते हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए धनेश्वरी एकेडमी के चैनल पर, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो जरूर लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। सो आज हम बात करने वाले हैं नोवोको विस्तास कॉरपोरेशन के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। सो ये कंपनी 1999 में शुरू हुई, नोवोको विस्तास कॉरपोरेशन पार्ट ऑफ निर्मा ग्रुप। जी हाँ, निर्मा ग्रुप के पार्ट में ये है। सो ये पार्ट ऑफ निर्मा ग्रुप है एंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट सीमेंट कंपनीज एंड कॉन्क्रीट मैन्युफैक्चर इन इंडिया। सो सीमेंट मैन्युफैक्चर है, कॉन्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग इसका बिजनेस है, और ये क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? सो ये डाइवर्सिफाई रेंज ऑफ प्रोडक्ट इनके पास है, जैसे सीमेंट है, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट है जो आजकल बहुत ही चलता है, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट जो RMX होता है वो आजकल चल रहा है, प्लस मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स सप्लाई करते हैं, एडहेसिव है, वॉल पुट्टी है, ड्राई प्लास्टर है, कवर ब्लॉक्स एंड मैनी मोर। सो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई से रिलेटेड इनका बिजनेस है और ये सप्लाई कर रहे हैं। द कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट इन द ट्रेड सेगमेंट, इंडिविजुअल्स, होम बायर्स, इंडिविजुअल होम बायर्स को ये बेच रहे हैं, नॉन ट्रेड सेगमेंट जैसे इंस्टीट्यूशनल बल्क बायर्स जो होते हैं उनको भी ये अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और इनके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, 15,969 डीलर्स है और 225 CFA इनके पास है। सो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स भी इनके पास है, एंड इट्स अ सीमेंट प्लांट्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड इन ईस्ट इंडिया, एंड राजस्थान एंड हरियाणा नॉर्थ इंडिया, विथ एग्रीगेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 32 MMTPA। सो इतनी बड़ी इनकी कैपेसिटी है और पूरे इंडिया के अंदर इनके सीमेंट प्लांट्स है, जैसे मैंने कहा वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ईस्ट इंडिया एंड राजस्थान, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया, और सभी जगह पे, काफी जगह पे इनके प्लांट्स अभी इस वक्त कार्यरत है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं, लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चर ईस्ट इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी का ज्यादा ज्यादा बिजनेस इनका ईस्ट इंडिया में होता है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सीमेंट प्लांट्स विद क्लोज प्रोक्सीमेटली टू की मार्केट, जहां पे इनका मार्केट है उसके आसपास ही इनका प्लांट है, तो ये इनकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन एंड लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड मैनेजर्स टीम। सो एक्सपीरियंस और प्रमोटर्स की टीम्स इनकी बहुत ही पावरफुल है, एक्सपीरियंस है, तो ये सारे इनके स्ट्रेंथ है। कंपनी के प्रमोटर्स है नियोगी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड एंड डॉक्टर करसन भाई की पटेल आर द कंपनीज प्रमोटर, और निर्मा का ब्रांड भी इससे जुड़ा हुआ है गाइस। सो ये कंपनी के प्रमोटर्स है। फाइनेंशियल देख लेते हैं, देखिए 31 मार्च 2019 का माइनस में था इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर प्लस हो गया बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से हुआ होगा, और बाजार जो खराब था उसकी वजह से हुआ होगा। उसके बाद में 31 मार्च 2020 में इनका प्रॉफिट बढ़ा है, फिर वापस माइनस हो गया 31 मार्च 2020। सो ये बढ़ घट हो रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, रेवेन्यू में भी आप देखेंगे तो ऊपर नीचे हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोविड का समय है तो इस तरह की ऊपर नीचे हो सकता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, और मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है इनका फाइनेंशियल, बट मैं एग्री हूँ कि अभी इस तरह का जो सिचुएशन है उसमें ये सारी चीजें हो सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का ये आईपीओ लाने के लिए? सो ऑब्जेक्टिव एक ही है, टू रीपेमेंट प्री पेमेंट रेडी
borrowing and avail by the firms fully or partially. So इनके जो payment है, loan repayment है, borrowing से वो देने के लिए है, और general corporate purpose जो हमेशा हर company का रहता है वो ही यहाँ पर है guys. और IPO की details देख लेते हैं. So IPO open हो रहा है 9 अगस्त 2021 को open हो रहा है. क्लोजिंग डेट है 11 अगस्त 2021 को हो रहा है. बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है 10 रुपया पर इक्विटी शेयर है. आईपीओ की प्राइस है 560 से लेके 570 रुपये पर इक्विटी शेयर है, और 26 शेयर्स आपको मिलेगा मार्केट लॉट, और मिनिमम भी 26 है. बीएससी और एनएससी में लिस्टिंग होगा. टाइम टेबल देख लेते हैं. जैसे ओपनिंग डेट 9 अगस्त 2021 है, क्लोजिंग डेट 11 अगस्त 2021 है, बेसिक अलॉटमेंट 17 अगस्त 2021 को होगा, इनिशिएशन रिफंड जो होगा 18 अगस्त के आसपास होगा, क्रेडिट हो गया आपके डिमेट में शेयर्स 20 अगस्त के आसपास होगा, और लिस्ट होगा 23 अगस्त. जी हाँ, 23 अगस्त को ये लिस्ट होने जा रहा है. और मिनिमम लॉट 26 शेयर्स का होगा, 14,820 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. मैक्सिमम आप 13 लॉट ले पाएंगे. 338 शेयर्स मिलेंगे 1,92,660 रुपये का यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो गाइस, ये आईपीओ में अब हम इन्वेस्ट करें, अप्लाई करें या ना करें, तो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा मुझे मुंह नहीं लग रही, लॉन्ग टर्म में भी मेरा ध्यान नहीं है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में काफी सारे दिग्गज के शेयर्स अवेलेबल है और अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है. बट लिस्टिंग गेन के लिए इसे जरूर अप्लाई कर सकते हैं. सो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ. ब्रांड अच्छी है, निरमा के साथ जुड़ा हुआ ब्रांड है, बट करसन भाई पटेल का नाम भी है इसके साथ जुड़ा हुआ, बट फिर भी मुझे ये संतुष्ट नहीं कर रहा है. और आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ. यहाँ पर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है. कोई भी बाई सेल होल्ड करने की सलाह नहीं है. कुछ भी करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर करें. यदि आप शेयर बाजार सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री एकेडमी में, जहां पे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स सिखाया जाता है, जहां पर आप सीख सकते हो. ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दी है. लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में जरूर अप्लाई कर सकते हैं. सो आइए सीखिए, समझिए, बाजार में प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए. वीडियो पसंद जरूर आया होगा, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले. सो थैंक यू वेरी मच गाइस.